मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग ज्ञान। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। मैंने मेरे ये शाओमी मी 10i के लिए कवर ऑर्डर किया था, जो कि एक आर्मर कवर है जो कि जेंट की तरफ से आता है। तो कवर है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा महंगे, बट जिस प्राइस में हमको ये मिलता है उस प्राइस में मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसा कोई कवर देखने मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, तो मैंने इसकी कटिंग तो पहले निकाल दी, क्योंकि जो भी ऑर्डर आता है आप सबको मालूम है, मैं पहले उसको पूरा ओपन करके देखता हूँ जो कि मैंने प्रोडक्ट बुक किया वो सही आया है नहीं आया है। तो वैसे तो मैंने इसको ऑन कर दिया था, तो वो है कुछ इस तरीके से। आपको जेंट की ब्रांडिंग भी दिख रही होगी यहाँ पर, और जो इसका रियर प्राइस है वो 1000 रुपीज़ के आसपास है, और इतना इसका होता ही है। बट जो मुझे प्राइस में मिला है वो थोड़ा सा कम है, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा क्या इसकी प्राइस होने वाली, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बात करें कवर की, तो वो है इधर। आपको नॉर्मल कवर लग रहा होगा बट ये नॉर्मल कवर नहीं है। जिन लोगों ने भी जेंट का कोई भी केस अगर यूज़ किया तो उनको पता होगा कि कितने अच्छे इनके केस होते हैं। इससे पहले मेरे एक फ्रेंड के पास 1+8 का था, कई बार फ़ोन गिरा बट ना तो कवर को कुछ हुआ ना ही फ़ोन को कुछ हुआ। इसलिए मैं उसी चीज़ को देखते हुए मैंने मेरे शाओमी के लिए भी ये कवर लिया है। तो इसको निकाल लेते हैं। इसकी कुछ खासियत बताऊं तो यहाँ पे एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर यहाँ पे एक मेटल लगा हुआ है, जैसे कि आपका अगर फ़ोन गिरता साउंड सुना होगा आपने, लेकिन इस पे कोई भी स्क्रैच नहीं आया है। अगेन कर दे, यहाँ पे कोई भी इस पे इशू नहीं आए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लेयर है, अगर मैं इसको निकालूंगा तो और ज़्यादा क्लीन दिखेगा। बट उससे पहले इसका कुछ कॉपी भी आता है, उसको कैसे पहचानना है वो भी बता देता हूँ। अगर आप इसका ओरिजिनल लेते हो तो आपको ये साइड में, ये शायद आपको जूम, ये जेंट की ब्रांडिंग मिलती है। अगर आपके केस पर अगर ये चीज़ है तो आपका प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है, अगर नहीं है तो नहीं आपका ओरिजिनल है। और बाई चांस कभी कभी होता है क्या है कि हमको इधर तो एक चीज़ मिल जाती है कि हाँ चलो ठीक है यार हमारा ओरिजिनल, बट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इसके अंदर भी एक ब्रांड लिखा होता है, वैसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके अंदर भी एक नाम होता है, जैसे कि हमारा जो फ़ोन है उसका एक ब्रांड होता है इसके नाम के साथ में, तो आप उससे भी पता कर सकते हो। वैसे कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका मैं बैक निकाल लेता हूँ। मैंने इसका बैक निकाल लिया, अभी आप देख रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है। और ये था मेरा पुराना केस जो कि हमको फ़ोन के साथ में मिलता है, काफ़ी ज़्यादा पीला पड़ चुका है और ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है, इसको 10-11 महीने के आसपास हो चुके हैं इस कवर को, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला है। कई बार मेरे हाथ से ये फ़ोन भी गिरा है, कई बार ट्राईपॉड से भी गिरा है, बट इस कवर ने बहुत संभाला, बट अब आगे ये हमारा ये कवर संभालेगा। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी इसको तभी हम लोग फेंकने वाले, ये हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं। मतलब फ़ोन का कुछ अलग ही काया पलट हो गई है, कहाँ पे मेरा ये कवर था कहाँ पे भी ये कवर है। उसकी मुझे एक ख़ास बात अच्छी लगी, जो कि हमारा ये बम्पर होता था ना कैमरे का, ये राउंड में था, बट जो इसमें हमारा जो बम्पर है ना वो इसके अंदर ही छुप जाता है। अगर मैं कवर निकाल के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर गैप देखने के लिए मिल जाती है। तो एक और इसकी एक और चीज़, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ फंसाने के लिए अपने फ़ोन को रख सकते हो, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ोन को अंदर डालते हैं और थोड़ा सा आपको आवाज़ सुनाई दिया होगा मैंने कितने ज़ोर से फ़ोन को किया है। निकाल के देखते हैं हमारे फ़ोन को कुछ हुआ है क्या, हमारे फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ। कवर पे देख लेते, कवर पे कुछ हुआ है, कवर पे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब अभी मैंने कितने ज़ोर ज़ोर से अभी इसको मैंने पटका था, वापस ट्राई करें एक बार।
मैंने चारों तरफ से इसको भी पटक के देखा। जब मैंने इसको पटक दिया मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती। अभी जैसे हम लोग कोई भी स्प्रिंग को किसी पे जोर से प्रेस करते तो रिटर्न वापस आती है, कुछ उस तरीके से इस कवर में भी हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें एक और चीज़ है, आप अगर ये कवर यूज़ करते हो जो ऐसा अपने फ़ोन को रख दो जो आपका स्क्रीन है वो ज़मीन पे टच ही नहीं होगा और ना ही बैक। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर फ़ोन रख देंगे तो ये हमारे बैक पे स्क्रैच आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिंदास हम लोग ऐसे रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया फ़ोन, है भी अच्छा कवर। तो अगर आपको ये लेना है तो आप अमेज़ोन पे ले सकते हो। शाओमी का मी 10i का कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जेंट के तरफ से आता है। और अगर आपको ओरिजिनल या जो कॉपी आता है अगर उसमें फ़र्क देखना है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे जो इनकी ब्रांडिंग होती है। और अगेन कुछ अंदर भी इसके कोड वर्ड होते हैं, आपको वो देख लेना है। और कुछ मुझे इस तरीके से पैकेजिंग में मिला हुआ था, अमेज़ोन से आया था। और जिस प्राइस में मुझे मिला है वो है 799, 800 रुपये का ये कवर मुझे मिला है अमेज़ोन से। अगर आपको ये परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन के लिए कुछ सही में एक अच्छा कवर ढूंढ रहे हो जो कि आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करे तो यही है। आपको आपके ब्रांड का भी मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि शाओमी का ही है। आपको वन प्लस, वीवो, आपको जो कंपनी का चाहिए आप वो कंपनी का ले सकते हो। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट अमेज़ॉन पे नहीं मिलता तो आप एक चीज़ कर सकते हो, पहले इस ब्रांड का नाम डालो, सॉरी यहाँ पर है, पहले इस ब्रांड का आप नाम डालो और उसके आगे अपने फ़ोन का नाम लिख दो, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ मिल जाएगी। वैसे तो ये वन प्लस के काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि उनको पता है जो महंगे फ़ोन रहते हैं वही लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि इतना महंगा कवर है। क्योंकि लोग आजकल 100-200 में ही काम चलाते हैं, बट ये मैंने 800 रुपये का परचेज़ किया है। पैसा दिया है तो ऐसा लग भी रहा है कि हाँ भाई कवर है, यूज़ किया हुआ अच्छा कवर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।